संघ प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले। दोनों नेताओं की लंच पर मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब डेढ़ घंटे चली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निमंत्रण पर ये मुलाकात हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। वहां नेताओं के बीच करीब 30 मिनट चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने कहा, बीजेपी की तरफ से कोई नाम नहीं आया, जब तक नाम नहीं आता चर्चा का सवाल ही पैदा नहीं होता। 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम समेत 7 लोगों पर टाटा कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। धमाकों के 24 सलवाज सलीम समेत मुस्तफा दोसा, फिरोज खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला शेख और रियाज सिद्दीकी को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ने सीबीआई पर हमला बोला है। डॉक्टर के कार्यक्रम को लेकर सीबीआई का दावा है कि वह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर शुक्रवार को कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण मांगने गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री के घर पर छापा मारा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के तमाम हाईवे को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। किसान नेताओं ने 16 जून को 3 घंटे हाईवे जाम की घोषणा की थी। इधर भोपाल के 11 मील तिराहे पर हाईवे जाम करने पहुंचे किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्काजी को उनके 8 समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने आज एक टोल फ्री हेल्पलाइन मददगार की शुरुआत की है। इससे संकट की घड़ी में कश्मीरी लोगों को मदद की जा सकेगी और लोगों के सुरक्षा बलों में विश्वास को फिर से बहाल किया जा सकेगा। सीआरपीएफ के उप निरीक्षक एम दिनाकरन ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 14411 24 घंटे काम करेगा और लोगों को चिकित्सा, आपातकाल और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में भी मददगार होगा। एक बार फिर आईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इस बार ये दावा रूस की तरफ से किया गया है। रशियन आर्मी ने कहा है कि 28 मई को उसने सीरिया में आईएस के मजबूत गढ़ रक्का में हवाई हमला किया था। आर्मी के मुताबिक इस हमले में आईएस के टॉप लीडर समेत और भी कई नेता मारे गए। बैंक अकाउंट के लिए अब आधार मैंडेटरी हो गया है। अब आधार के बिना बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। जिनके पास पहले से बैंक अकाउंट है उनको 31 दिसंबर तक आधार की डिटेल जुड़वानी होगी। ऐसा ना करने वालों के बैंक अकाउंट्स को अवैध माना जाएगा। फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा में फेमस सॉन्ग पिया पिया को गाने वाली सिंगर जोड़ी प्रीति और पिंकी ने हाल ही में कैंसर पीड़ितों के लिए उठाए गए नए कदम से सबको चौंका दिया है। दरअसल कैंसर से जूझ रही महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए इस जोड़ी ने अपने सारे बाल कटवाकर बाल्ड लुक अपना लिया है। इसी लुक के साथ दोनों ने एक नया सॉन्ग हंगामा क्यों ना करें बनाया है, जिसमें दोनों बाल्ड लुक में काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। फार्मा स्टॉक्स में आई गिरावट की वजह से स्टॉक मार्केट दिन की पूरी बढ़त गंवा कर बंद हुआ। शुक्रवार के कारोबार में सेंसेक्स 19 अंक की गिरावट के साथ 31,056 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 10 अंक की बढ़त के साथ 9,588 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 31,182 और निफ्टी 9,616 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था।